बाज़ लोग खामोशियाँ पढ़ लेते हैं और बाज़ अल्फाज भी नहीं समझ पाते। किसी के हाथ में खाली बर्तन देख के ये मत समझो कि वो मांगने आया है, हो सकता है वो अपना सब कुछ बांट कर आया हो। अगर किसी को नसीहत करनी है तो फिर नसीहत करो, ना कि शर्मिंदा। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि अगर कभी ज़िंदगी में तुम्हें वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगें। लोगों के चेहरे पर मत जाओ, चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं। बार बार आंसू साफ करने के बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी को इन्हीं से साफ कर लो जो इन आंसुओं की वजह बनते हैं। लोगों से मजाक ना करो, इससे जलील हो जाओगे। लोगों के पास अपनी ज़रूरियात बहुत कम लेकर जाया करो क्योंकि इसमें बहुत ज़िल्लत और रसवाई है। अपने घर वालों और उन लोगों से जो तुम्हारी इज्जत करते हैं उस इलाके से पेश आओ। पुस्त ख्याल, आवाज़ा मिजाज और फाहश लोगों से डरो। जालिम का हाथ पकड़ो और इसे जुल्म से रोको। जो शख्स इसलिए मजलूम के साथ चलता है कि इसे इसका हक दिलवाए, इसे अल्लाह ताला इस दिन साबित कदम रखेगा जिस दिन लोग कदम फिसलेंगे। अगर अल्लाह की अताअत में लोगों की नाफरमानी हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर लोगों की अताअत में अल्लाह की नाफरमानी ना करो। अच्छी राय दो, अच्छी गुफ्तगू करो और मियाना रवि अख्तियार करो। जब हाकिम मोटा हो जाए तो समझ जाओ कि वो अवाम और अपने रब के साथ खयानत कर रहा है। जो शख्स तुमसे दूसरों के ऐब बयान करता है वो यकीनन दूसरों से तुम्हारे ऐब भी बयान करता होगा। तौबा ज़ुबान से नहीं बल्कि अमल से होती है। दुश्मन से हमेशा बचो, मगर दोस्त से इस वक्त बचो जब वो तुम्हारी तारीफ़ करने लगे। नज़र उस वक्त तक पाक रहती है जब तक झुकी रहे। किसी से नेकी करते वक्त बदले की तवक्का ना रखो क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं खुदा देता है। दरवेश जो कुछ कहता है दर हकीकत वो इससे बुलंद होता है और आलिम जो कुछ कहता है वो इससे कम दर्जे का होता है। जिस रात तुम्हें नींद ना आ रही हो तो समझ लो बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है।